ऐसी महिमा कोई मनुष्य की नहीं होती है। गीत में सुना ना कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, अर्थात तुम माता पिता बंधु सखा सब तुम हो। तो ये कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। ऐसी महिमा कोई भी मनुष्य को नहीं दी जा सकती है, भले देवता हो ना, तो देवता की भी ऐसी महिमा नहीं की जा सकती है। क्योंकि देवता भी समझो श्री नारायण है, तो उनका बच्चा हाँ, तो वो भी उसकी महिमा ऐसे कोई तुम्हें माता पिता या कुछ नहीं, जैसे वो भी अपना हर एक के यहाँ माँ बाप होते हैं, वैसे देवताओं के भी बच्चे वो उनके माँ बाप। परंतु इस किस्म की महिमा एक ही परमात्मा की है, कोई भी देवता की भी या कोई मनुष्य की भी ये महिमा नहीं की जा सकती है। परंतु परमात्मा की भी क्यों महिमा है, किस लिए महिमा है, वो समझना है। उसको हम क्यों कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसी ऐसी महिमा क्यों देते हैं। कभी तो हमारे जरूर है कि माता पिता बंधु सखा सबका आकर करके उसने संबंध का साथ दिया है, तब तो गाते हैं नहीं। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा की भी कोई ऐसे ही महिमा है, खाली महिमा का भी कोई अर्थ चाहिए ना। बिना अर्थ से तो मतलब गाते रहें और बोलते रहें, कोई मीनिंग नहीं हो तो उसमें भी कोई रहस्य तो रहा ही नहीं। तो जो भी हम हाँ परमात्मा की महिमा भी गाते हैं, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी महिमा किस आधार पर है। कोई मनुष्य की भी महिमा होती है तो भी हाँ भाई गांधी है उसकी महिमा है, भाई क्यों है, उसने ऐसा अच्छा काम किया कि हाँ भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये भारत को स्वतंत्र बनाया, तो अच्छा काम किया जनता के लिए भारत के लिए, तो चलो भैया उसकी तभी ऐसी महिमा है। नेहरू था फलाना था, जिसने भी जो जो काम किए
इसी तरह से परमात्मा की भी जो हम महिमा गाते हैं तो उनका भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि उसकी महिमा किस आधार पे है, उसने हमारे लिए क्या किया है। जरूर हमारे लिए कुछ किया हो तब तो हम उसकी भी महिमा गाएं। तो हम परमात्मा की भी इस तरीके से जो महिमा गाते हैं, तुम माता, तुम पिता, तुम बंधु, तुम सखा, तुम सब, तो क्यों उनको तुम सब क्यों कहा है? उसने हमारे तुम सब बन के यानी सभी संबंध का हमको क्या उसने फायदा दिया है, तब तो हम उसकी महिमा भी यथार्थ समझे ना। तो अभी देखो अर्थ से अपन जानते हैं, तो ये तो महिमा भक्ति मार्ग में ऐसे करते आए हैं, लेकिन अपने पास अभी इसका ज्ञान है यथार्थ कि उनकी महिमा क्यों है, क्योंकि उसने आकर कर करके अभी इस टाइम पर, ये जो प्रेजेंट टाइम है जिसको ही कहा जाता है कलयुगी, दुनिया के अंत का समय, और सतयुगी, सतयुगी नहीं दुनिया के अर्ध का समय जिसको संगम का टाइम कहा जाता है, तो उसी टाइम पर आकर करके उसने हम आत्माओं, मनुष्य आत्माओं को ये सहारा दिया है दुख के टाइम पर। इसीलिए उसका गायन है पतितों को पावन करने वाला आदि आदि, तो उसने आकर करके प्रैक्टिकल में ये सहारा दिया है। तब कहते हैं तुम सबका माता पिता बंधु सखा सबका तू एक सहारा, तो एक सहारा तो जरूर कोई सहायता की है ने, किसी बात में सहारा दिया है। सहारा किस में दिया है? जो हम इस दुख शांति की दुनिया में जो माता पिता लौकिक और कोई भी संबंध वो सहारा नहीं दे सकता है, वो तो जो जिसने कर्म किया पाता उसमें माँ भी क्या करेंगी, बाप भी क्या करेगा, पति भी क्या करेगा, पत्नी भी क्या करेंगी, राजा क्या करेगा, प्रजा क्या देव करते हैं कुछ, हाँ कोई किसी का क्या कर सकते हैं, वो तो हाँ सबको अपना अपना कर्म का ही खाता भोगना ही है। इसी में भले एक दो का माँ बाप है बच्चे का अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसको लायक बनाने पर, तो कोई कर्म की ऐसी बात हो जाती है तो बाप होते भी क्या करेंगे, हाँ तो कहेंगे ना तकदीर, हाँ किस्मत, तो ये सभी बातें फिर भी किस्मत और तकदीर के ऊपर आ, लेकिन यही एक बाप है जो हमारी तकदीर और किस्मत को बदला कर करके, हाँ पलटा कर कर करके ऊंच भी बना सकते हैं और हमारी ऊंच प्रैक्टिकल में आकर के बनाते हैं। तो उसने जो काम किया है ना वो किसने नहीं किया है, मनुष्य आत्मा के करने का नहीं है, इसीलिए उसकी महिमा है कि ऐसे टाइम पर जबकि हम दुख और अशांति में गिर चुके हैं और अभी हमारी तकदीर फूटी हुई है एकदम, यानी दुख अशांति में पड़े हैं जिसमें कोई भी हमारा अपना सहारा नहीं है, उस टाइम पर आकर करके तुम सहारा बनते हो कि हमारे कर्म की तकदीर जो फूटी हुई है उसको आकर करके फिर जगाते हो, अर्थात उस तकदीर बनाते हो, तो तकदीर बनाने वाला हो गया ना, इसीलिए उसकी महिमा के तू हमारे सब कुछ है। माता पिता ये सभी रिलेशंस जो है वो सभी रिलेशन सभी तुम्हारे से हमको सभी रिलेशंस का सहारा पूरा मिलता है, इसीलिए उसका गायन है। तो उनका गायन भी किसी कर्तव्य और किस हमारे से रिलेशन निभाने के ऊपर है, बाकी ऐसे ही मुफ्त में नहीं है, ऐसे ही उसकी महिमा करते रहे या गाते रहे तो कोई अर्थ है। अर्थ भी कैसे है, उसने कभी हमारा आकर के ऐसा कर्तव्य किया है वो बैठ के समझाते हैं कि ऐसे टाइम पर जैसे अभी आया हुआ हूँ तो ये मैं आकर के जो कर्तव्य किया उसकी यादगार है, फिर अभी मेरा टाइम आया हुआ है, मैं फिर आया हूँ, ये कहा है कि जब जब ऐसा टाइम होता है तब तब मैं आता हूँ, तो कोई कर्तव्य का संबंध रहा ना। देखो अभी वो संबंध प्रैक्टिकल में हम लेते भी हैं, उसका जानते भी हैं और फिर इसी सभी अर्थ बातों के अर्थ को भी अभी समझते हैं। तो बाप बैठ कर करके इन्हीं का ही अर्थ बाप बैठ करके समझाए, तो जो भक्ति मार्ग में तुम मुझे गाते आए हो तो खाली बिना अर्थ के गाते हो, अभी प्रैक्टिकल में आते भी हो और प्रैक्टिकल में इस बातों को जानते भी हो। तो अभी देखो हम जानते भी हैं कि भक्ति मार्ग में भी प्रैक्टिकल जो हम गाते आए उनका अर्थ क्या था वो भी जानते हैं, और अभी प्रैक्टिकल में फिर उसके संबंध में भी आते हैं, तो वो हमारे बाप भी और टीचर भी और सतगुरु भी, हाँ और वही धर्मराज भी है, हाँ वही जानते नहीं, वही तो हमारे जो भी कुछ पाप कर्म है उनकी सजा आदि का भी अथॉरिटी तो वही है ना, भले करण करावन हार है, जैसे विनाश शंकर द्वारा, स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पालना विष्णु के द्वारा, ये सभी है करण करावन हार है, इसी तरह धर्मराज के द्वारा सजाएं, परंतु अथॉरिटी तो वही है ना, तो अथॉरिटी तो उसको ही कहेंगे कि वही एक अथॉरिटी है जो हमारे सभी बातों के अथॉरिटी वाला उनको ही है, तो इसीलिए कहते हैं मैं वो अथॉरिटी अभी स्वयं आकर के तुम्हारा बाप भी बनता हूँ
और टीचर अभी शिक्षा दे करके ये देखो शिक्षक भी बनता हूँ। मैंने कॉलेज अथवा स्कूल यूनिवर्सिटी को ये खोला इस नॉलेज के लिए, तो मैं टीचर भी हो गया ना इस विद्या के देने वाला, तो शिक्षक भी हूँ और बाप भी हूँ और सतगुरु तो हुई गति सद्यति तुम्हारे पूरा इस माया से लिबरेट कर करके, तो लिबरेटर देखो मैं बनता हूँ ना, तो गुरु भी गति सदगति दाता उनको ही कहा जाता है जो माया की बॉन्डेज से छुड़ावे। तो माया की बॉन्डेज यानी विकारों की ये जो बंधन चरा है उससे छुड़ाने वाला एक ही है ना, उनको ही गुरु कहेंगे। गुरु का अर्थ ही है गति सदगति करने वाला, गुरु के और कोई मीनिंग नहीं है। वैसे तो बहुत गुरु है, डॉक्टर भी डॉक्टरी का गुरु है, इंजीनियर भी इंजीनियरी का गुरु है क्योंकि इंजीनियरी नॉलेज देता है, भाई काय का गुरु भाई किसका देने वाला भाई, ऐसे गुरु कहे तो बहुत है। बल्कि भारत में तो हिंदू नारी का पति सब गुरु ही गुरु है, नहीं कहते नहीं, यहाँ हिंदू नारी को कहते तेरा पति गुरु भी है, परमेश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है, तुम्हारा सब कुछ है। हिंदू नारी के लिए तो हाँ सब पति गुरु, तो उसके माना सब गुरु ही हो गए, गुरुओं की तो ऐसी कमी नहीं है। परंतु नहीं, गुरु नाम जिसका है ना, गति सदगति दाता जिसको कहा जाता है वो एक ही, और गुरु कहना हक भी उसको ही है। जैसे परमात्मा एक ही को ही कहा जा सकता है, कोई मनुष्य को परमात्मा कहने का हक नहीं है और कह भी नहीं सकते हैं, और न परमात्मा कोई मनुष्य है, नहीं परमात्मा तो एक ही है ना, इसी तरह से गुरु भी वही है, किसी को हक नहीं है गति सदगति का गुरु कहलाने का। परंतु आज कहलाने वाले बहुत है, भाई कहें कामन भी कहीं गुरु करते हैं तो समझते हैं कि भाई गति सदगति के लिए करते हैं, काय के लिए गुरु करते हैं, भाई गति सद नहीं तो हमारा मोक्ष कैसे होगा, वो समझते हैं खाली नाम मात्र गुरु कर देने से हमारा मोक्ष हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा, हाँ मरेंगे तो ठीक चला जाएंगे उधर, वो ऐसे समझते हैं इसीलिए गुरु कर लेते हैं। परंतु नहीं, गुरु खाली नाम मात्र करने की तो कोई बात ही नहीं है ना, गुरु तो वही है जो आकर करके हमको गति सदगति का मार्ग प्रैक्टिकल बतलाते हैं, नॉलेज देते हैं, और जिसी पर फिर प्रैक्टिकल हम चल कर करके और अपनी गति सदगति प्राप्त करती हैं, तो उनको ही कहा जाएगा नहीं गति सदगति दाता। तो ये चीजें समझने की हैं, इसीलिए परमात्मा भी एक है तो गुरु भी एक है, यानी वही परमात्मा ही गुरु है, और फिर हमारे कोई सारी नॉलेज के देने वाला भी वही है, दूसरा कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता। तो ज्ञान दाता जो है वही गति सदगति दाता, ऐसे नहीं ज्ञान दूसरे देंगे गति सदगति वो करेगा, नहीं ज्ञान भी वही देता है, इसकी नॉलेज भी वही समझाएगा। तो ज्ञान दाता भी वो और सदगति और गति दाता भी वही है। तो ये सभी चीजें हैं जिसको बुद्धि में रखना है अच्छी तरह से, और उसी को अभी यहाँ हम पाया है, अर्थात अभी हम हमारा संबंध अभी उनके साथ हुआ है, कोई कॉमन मनुष्य के साथ नहीं है, अभी उनके द्वारा हम ये नॉलेज को पाकर करके अपना प्रैक्टिकल गति सदगति प्राप्त करने का ये यतन रख रहे हैं। तो ये सभी चीजें बुद्धि में होनी चाहिए कि कामन जैसे गुरु हम करते हैं या कामन सत्संगों में जाते हैं बहुत, तो ये कोई उसी तरीके से भी एक कामन आश्रम है या कोई संस्था है, या ये भी कोई अपना धर्म प्रचार करने वाला एक संस्था निकली है जैसे कहीं ऐसे समझते हैं, तो ये कोई हमको अपना धर्म का प्रचार करना है या कोई एक ये धर्म नया निकला है, ऐसी भी बात नहीं। ये तो परमात्मा अपना आकर करके नई दुनिया स्थापन करने का काम कर रहा है, इसमें कोई नया धर्म जैसे कई धर्म ये आर्य समाज धर्म, राधा स्वामी धर्म, चिदाकाशी धर्म, बहुत अनेक नाम है ना, वो समझते हैं ये भी एक धर्म ब्रह्म कुमारियों का एक धर्म निकला है, तो ऐसा नहीं ब्रह्मा कुमारियों का कोई धर्म अपना निकला है, या जैसे और कामन सत्संग या और भी बातें कहीं निकलती हैं या कहीं आश्रम खुलते हैं या कुछ, ये भी एक नया आश्रम खुला है या कोई धर्म निकला है या कोई ऐसी बात नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा जो हमारे रचता है और जो जिसने ही कहा है कि मैं आता हूँ जब अधर्म विनाश करने का टाइम है और तब आकर करके मैं अपना सत्य धर्म स्थापन करता हूँ, तो ये तो उनका कार्य हो रहा है, बाकी ये कोई कॉमन संस्था या आश्रम मत समझना है। तो ये भी चीजें बुद्धि में होनी चाहिए क्योंकि कई विचार ऐसे समझ कर करके आते हैं, परंतु नहीं ये कॉमन आश्रम नहीं है क्योंकि ये परमात्मा का कर्तव्य है और परमात्मा का बहुत थोड़ा टाइम विजिट है, तो वो हमारे विजिट पर आए हुए हैं यानी भारत में पधारे हैं, परमात्मा अपना उसका जन्म स्थान भारत है, वो अपना अवतरण कहते हैं मैं यदा यदा है धर्मस्य काय ने गीता में भी, जब जब अधर्म होता है तब मैं आता हूँ, कहाँ आता है, तो ये भी समझना है कि उनका आने का है ही भारत में, क्योंकि वो आता ही है भारत का आदि सनातनी धर्म स्थापन करने, बाकी कोई क्रिश्चियन धर्म या बुद्धिज्म धर्म
यहाँ इस्लामी धर्म नहीं बनाने आते हैं, वो आता ही है भारत का आदि सनातनी धर्म, जिसको ही धर्म को कहा है सत्य धर्म, यानी वही धर्म श्रेष्ठ था सबसे। तो परमात्मा श्रेष्ठ काम करने आएंगे ना, वो क्रिश्चियन धर्म तो क्राइस्ट से होगा ना, वो तो क्राइस्ट के द्वारा स्थापन हुआ है, उसका अभी एंड होकर करके यहाँ फिर भी स्थापन होगा तो क्राइस्ट आकर के करेगा। बाकी उसी धर्मों के लिए नहीं कहा है, इसने कहा है वो जो दुनिया में एक धर्म और एक राज्य वाला जो धर्म था वो कौन सा था, ये देवी देवता है। तो इसीलिए बाप कहते मैं आता ही हूँ उसके लिए। तो ये अभी उनका काम है, तो उनकी कोई ये आश्रम कॉमन नहीं है ना, कोई बहुत टाइम जैसे आश्रम चलते रहते हैं, सत्संग बहुत काल से चलते रहते हैं, ये कोई बहुत काल चलने वाली है। कहें तो अगर एक ही सत्संग है, सत का संग, सत कहा जाता है परमात्मा को, बाकी तो सब मनुष्य असत्य ही है ना, पर उसमें गुरु भी आ गए, सब आ गए, क्योंकि वो भी तो जन्म मरण में आने वाले हैं ना, वो गुरु तो जन्म मरण में नहीं आने वाला है ना, तो वो सत्य गुरु, तो सत्य गुरु का ही सत्संग एक बार होता है। तो वास्तव कर करके सत्संग एक बार होता है, बाकी सत्संग है ही नहीं, वो तो है ही बाकी जन्म मरण में आने वालों का संग, उसको कहेंगे असत्य संग। बाकी सत्य का संग तो मिलता ही एक बार है, तो अगर सत्संग कहे ना तो एक ही बार होता है, अभी बस ये सत्संग है, बाकी तो कोई सत्संग है ही नहीं, सत का संग ही अभी मिलता है, सत बाप, सत टीचर, सत गुरु तो मिलता ही अभी है। वो कहते हैं मैं आता ही अपने टाइम पर हूँ, मैं आगे आता ही थोड़ी रहा हूँ, नहीं मैं आता ही, मैं आया ही अभी हूँ, तुमको मिला कहाँ से है, इसीलिए कोई सतगुरु मिला ही नहीं ना तुमको, मैं ही अभी आया हुआ और मैं मिलता ही अभी, इसीलिए सत्संग भी अभी होता है, नहीं तो इतना समय ये जो भक्ति मार के जो भी यहाँ नाम सत्संग देते आए वो तो असत्य संग है, यानी मनुष्यों का कुछ न कुछ थोड़ा शास्त्र का फलाने का फलाने का कुछ न, ये सहारा कोई रामायण सुनाएगा, कोई गीता सुनाएगा, कोई वेद सुनाएगा, चलो कुछ न कुछ या ये करते आए, वो तो अलग काल की, ये सब भक्ति मार्ग का है, लेकिन सत्य जो बाप है जिस जब भी उनका संग मिलता है वो तो बेड़ा पार कर देता है नहीं, वो तो एकदम पार गति सदगति में ले ही जाता है, बाकी मनुष्य जो है वो कोई गति सदगति में ले नहीं जाते हैं, इसीलिए उनको सत्संग नहीं कहेंगे। तो ये सभी चीजें समझने की, सत्संग होता ही एक बार, तो अभी ये है सत्य का संग, सत्य गुरु आया है, जब सत्य गुरु आवे तभी सत्संग होवे, सत्य गुरु के बिना सत्संग किसका होगा, बाकियों का तो सत्संग नहीं है ना, वो तो कुछ ना कुछ जैसे कोई कुछ पढ़ाते हैं वैसे ये शास्त्र ग्रंथ थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन उनको कोई सत्संग, सत्य से प्रैक्टिकल संग हो जाए और उसे प्राप्त हो जाए वो चीज नहीं है। तो इसीलिए सत्य का संग सत्य खुद ही आकर के कराता है, जो सत्य गुरु है, इसीलिए सत्य गुरु ही अभी आया है और ये उसने अपना सत्य का अपना संग दे रहा है, तो उनके ही सत्य के संग को हाँ सत्संग कहेंगे। तो ये सभी चीजें को भी समझना है, इसीलिए बाप कहते ये बहुत टाइम नहीं चलेंगे चलने का है, मैं आता हूँ तो बस एक ही वाह है, उसमें सब प्राप्ति करा करके फिर सदा के लिए तुमको सुख रहता है, फिर तो तुमको बैठ के सत्संग करना यहाँ ये माथा कुटी करने की भी दरकार नहीं है, मुझे भी याद करने की फिर तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद करना ही तभी पड़ता है जब दुख शांति में हो, तभी हे भगवान हाँ कहते हो फिर तुमको हाँ सदा सुख होगा। तो कहते नहीं सुख में स्मरण करने की दरकार ही नहीं रहती है, दुख में फिर याद करते हो सुख में मुझे जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं आता हूँ तुमको सदा सुखी बना कर कर करके और सदा सुख में रहते हो, ऐसे कर्म बुरे करते ही नहीं हो फिर जो तुमको कुछ हाँ बुराई का दंड पाना पड़े, जो दुखी हो और फिर चिल्लाओ तो चिल्लाने की बात रहेंगी नहीं। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरह से समझ कर करके अभी उसी चीज का लाभ लेना है, तो बाप के भी महिमा को यथार्थ समझने का है ना, तो ऐसे बाप की महिमा को खाली समझना नहीं है, बाप से संबंध रखने का है और उसका प्रैक्टिकल बन कर करके सपूत बच्चा प्रैक्टिकल एक्शंस में अथवा कर्म में आने का है, अथवा अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। कभी बना रहे हो ना अच्छी तरह से ध्यान देते हो ना अपने पर, क्योंकि ये खाली ऐसा ऐसा सुनने का नहीं है, प्रैक्टिकल आने का है ना, तो अपना सारा दिन अपने प्रैक्टिकल कर्म के ऊपर अटेंशन रखना है कि आज मैंने सारे दिन में क्या किया, अच्छा बिताया, कोई लोभ अवश्य, कोई मोह अवश्य, कोई काम अवश्य, कोई क्रोध अवश्य, ऐसा तो कोई उल्टा काम नहीं किया, तो सारे दिन का अपना रखना है पुता में हिसाब किताब चार्ट दिनचर्या पूरा हिसाब अपने पास, तभी हमारी जीवन आगे बढ़ती चलेगी। अच्छा 2 मिनट साइलेंस।
ये तो हम अपने कर्म को बुरे बनाते हैं तो उसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेंगी ना, तो अपने पर दया करने की है ना, उससे दया मांगने की, तो वो तो है ही दयालु उसको कहते हैं। वो कोई हमारे से यहाँ कोई ऐसे ही थोड़ी यार कुछ करता है, वो तो हम अपने बुरे कर्म बनाते हैं तो उसकी सजा पानी ही है। तो इसीलिए उनकी तो उसको कहना तू दया की दृष्टि, वो कोई कभी हमारे पर अदया थोड़ी करते हैं, उनकी तो है ही दया। पर तो ये भक्ति मार्ग में बेचारे दया करो कृपा करो जाएंगे नहीं किसी गुरु संत महात्मा के पास, तो भी कहेंगे दया करो कृपा करो, बस वो हिरे हुए है ना। तो दया करो को तो बात ही नहीं है, वो तो है ही दयालु, उसको कहना दया करो तो क्या आया, दया करते हैं क्या जो दया करे है? किसके पर कृपा, किसके ऊपर कृपा करता हो तो कह भाई मेरे पर कृपा करो, वो तो है ही कृपालु ना, उसके लिए तो जनरली और सबके लिए है ही वो। उनके लिए ऐसा कहना कि करो तो उसकी माना किसके ऊपर कृपा करता हो तभी तो कहे मेरे पर कृपा करो, हाँ नहीं वो तो है ही, वो कहते अपने पर कृपा करो, तू अपना कर्म अच्छा बना तो तेरा उससे ही तो यही कृपा है ना। तो कृपा भी कोई ऐसा नहीं आशीर्वाद दया कृपा उसका ऐसा अर्थ नहीं है, ये दया कृपा भी यही पुरुषार्थ है, अपने को भी पुरुषार्थ करना है और दूसरा भी तो पुरुषार्थ ही कराएगा नहीं, बाकी दया करो क्या करे हा? वो भी कहेगा भाई पुरुषार्थ करो अच्छे कर्म बनाओ, बस यही यही दया है नहीं और क्या हा? बाकी क्या और कोई हाथ फिराना या कुछ उसकी तो बात ही नहीं है। पुरुषार्थ करना वो अपनी दया है और कराने वाला भी पुरुषार्थ करेगा वो उनकी दया है। तो ये सभी अर्थ को समझने का है। अच्छा जिनको दो आते हैं वो होते भी जैसे अंधे हैं, हमको न होते हम सब जानते हैं, दोनों को वो खुशी रहती है कि हम सब नॉलेज को जानते हैं बाप को, याद तो बुद्धि से करना है ना, कोई आँखों से तो देखने की बात नहीं है। तो ये सभी चीजें या समझने की है। तो अपना थर्ड आई ऑफ विजडम जिसको है उसको ज्ञान नेत्र वो सज्ञा है, ये नेत्र होते भी जो जानते नहीं तो होते भी अंधकार में, तो कहेंगे होते भी अंधे हैं, इसीलिए सारी दुनिया भी ब्लाइंड है क्योंकि जानती नहीं है ना, और जो जानते हैं वही हाँ उनको। तो ये थर्ड आई ऑफ विजडम के ऊपर ही सार है, तो ज्ञान नेत्र तो मिला है ना अच्छी तरह से, उसको पकड़ रखो हा? ये तो कर्म के हिसाब से है, कोई हिसाब किताब से आ ये सभी कर्म का आंख ऊपर कान ऊपर नाक ऊपर शरीर के ऊपर कुछ दुख का इफेक्ट आते ही, इसीलिए तो अभी ये कर्मों के खाते को अच्छा बना रहे हैं, फिर हमको सब प्रूफ मिलेगा ठीक, यानी सब कभी कुछ में खराबी नहीं होगी, ना आँख में न कान में न किसी में नहीं, सब हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर भी अच्छा, कभी कोई रोग नहीं कोई तकलीफ नहीं, सब कंप्लीट। तो ये कंप्लीट सब तब होगा जब पहले हम आत्मा कंप्लीट प्यूरिफाइड बनेंगे। अच्छा अच्छा कैसा है माता जी, हाँ माता जी कुछ आता है कभी कभी आते हैं, अरे ये भी आती हैं शायद दो चार दो थी ये शायद अभी आज एक दिखाई पड़ती है अच्छा। अरे किसी चीज का शौक होता है तो कितना भी दूर हो ना तो भागेगा ऐसा है ना, अभी कोई चीज का लगन होती है शौक होता है तो कितना भी दूर हो, लंदन में देखो हमको कोई पढ़ाई पढ़नी है तो फिर लंदन में भी चले जाएंगे, दूर है, सीखना है कुछ पाना है तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है।